सौंक के गांव नगला कुटिया से मारपीट व छेड़छाड़ की पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है, मगर पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की बल्कि उसे थाने से धमका कर भगा दिया, जिसके चलते पीड़िता ने मथुरा पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आप बीती सुनाई। ये मामला विगत दो दिन पूर्व का है, जहां सौंक के गांव नगला खुटिया की रहने वाली पूनम पत्नी जगवीर अपनी जमीन में अपने पितरों के थान बना रही थी। तभी गांव के ही रहने वाले बनवारी तेज सिंह सूरज रोहतास आए और पीड़िता से उक्त जगह पर थान बनाने की मना करने के साथ गाली गलौज करने लगे। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो उसे वहीं गिराने के साथ गलत तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की। पीड़िता ने इसकी शिकायत मगोरा थाने में की, मगर मगोरा पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। जब पीड़िता ने पुलिस से मामले में कार्यवाही न करने की पूछताछ की तो पुलिस इंस्पेक्टर ने पीड़िता को थाने से लताड़ कर भगा दिया। वहीं आज पीड़िता ने मथुरा पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पीड़िता की शिकायत पर एसपी देहात ने दो दिन के अंदर मुजरिमों को पकड़कर कार्यवाही की बात कही। वहीं पीड़िता व उसके ससुर ने बताया कि वो लोग गांव के दबंग लोग हैं, पुलिस उनके रसूख को देखते हुए कोई कार्यवाही नहीं कर रही। आज यहां से हमें आश्वासन मिला है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मेरे घर का मामला है, मैं अपनी जमीन में वो बना रही थी थान अपने पितरों के, तो तभी उन लोगों ने आके मेरे पड़ोसियों ने मेरे साथ जबरदस्ती मारपीट और गाली गलौज की। यहाँ नहीं होगा कुछ भी, और मतलब पड़ोसी मेरे वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बचाया। फिर मेरे पति ससुर आए, उनके साथ भी उन्होंने यही घटना की है। क्या घटना की आपके साथ में? मारपीट की है, जबरदस्ती की है, गाली गलौज की है। हमारी कोई सुनवाई ना है और दबंग आदमी पैसे वाले मारपीट करिए जबरदस्ती से, हमारी जगह पे कब्जा करना चाहे, हमारी बहू बेटी है पूछे भी स्थान बना रही ना बना मुझे, चार जैसी मारपीट करिए, चार जैसी बेइज्जती करिए, चार लेके आ गए गाँव बारे वो आदमी आगे देख रहे हैं कानून कहिए कुछ भाई भी दबंग आदमी बेकाऊ के कहीं घुमाने का हमारे पास पैसा ना रहे हमारा क्या करेंगे।